हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग देता हूं, और मेरे यहां पे ट्रेनिंग के लिए केरला से दो सब्सक्राइबर फ्रेंड आए हैं, मनोज सर जी, आनंद सर जी, और महाराष्ट्र से हैं। ये लोगों ने हमारे पास ट्रेनिंग लिया है और हम आज कुछ नया बताने जा रहे हैं कि ये ट्रेनिंग की वीडियोस तो हम हमेशा बनाते हैं कि सर आपको क्या लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा। लेकिन मेरे को कुछ दिनों से क्वेश्चन ये आ रहा है कि फ्रेंचाइजी लेना अच्छा है या नहीं लेना अच्छा है। मेरे रिलेटिव्स है, मेरे अंकल हैं जो मुझे फोर्स कर रहे हैं फ्रेंचाइजी लेना। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंचाइजी से रिलेटेड मैंने ज़्यादा से रिसर्च नहीं की है, और अगर मैं खुद बोलता हूँ तो थोड़ा कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी से रिलेटेड रिसर्च की है ट्रेनिंग आने से पहले, तो उनसे हम पूछते हैं कि क्या है फ्रेंचाइजी का, और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद में मेरा भी थोड़ा ओपिनियन मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो आनंद सर जी ने फ्रेंचाइजी लेने से रिलेटेड थोड़ा सा रिसर्च किया है मेरे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आने से पहले, तो हम उनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं कि क्या उनका अभी थॉट क्या है और क्या डिसीजन है आपका। तो मैं बहुत सारे फ्रेंचाइजी मॉडल देख रहा था कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल हमारे लिए, मेरे लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इसमें। तो फ्रेंचाइजी दो तीन मॉडल अच्छे लगे, तो उसके ऊपर मैं रिसर्च करने लगा कि कैसा चल रहा है काम। तो मुझे जो फ्रेंचाइजी लेके काम कर रहे थे उनके पास गया मैं देखने के लिए, लेकिन उनका ना उनका फ्रेंचाइजी से सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं था, और उनको बैकग्राउंड भी नहीं था, तो बहुत मुश्किल से काम कर रहे थे, अपने आप से काम कर रहे थे, अपना एफर्ट लगा रहे थे, तो उसमें इफेक्टिवनेस और उनका लिमिटेड था, काम बहुत लिमिटेड कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ लॉन्ड्रोमैट का काम कर सकते थे जो मशीन में ऑटोमेटिकली चलता है, तो उसके ऊपर ना जाना बहुत मुश्किल रहा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि फ्रेंचाइजी तो आपके लिए तो मुझे फीजिबल नहीं है, क्योंकि उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है, बहुत सारा पैसा लगेगा, जिसका ऑप्शन भी मेरे पास नहीं था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बेसिक से ट्रेनिंग ले लूँ, समझ लूँ कि पहले खुद समझना जरूरी है, और उसके बाद अपना ओन स्टार्ट करेंगे और उसको लेके जाएंगे फॉरवर्ड। जितना भी प्रॉब्लम आएगा इनिशियली वो हम फेस करेंगे और लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए वो इकोनॉमिकल है, और एफर्ट भी ना मुझे भी काम आएगा, तो जितने भी डिफरेंट कपड़े आएंगे, इश्यूज आएंगे, उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है। फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हो ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही होता है। फ्रेंचाइजी लेने से आप सिर्फ उनसे टाइप करते हो कि उनका नाम होता है, उनका नाम आप यूज़ करते हो, बाकी जो भी रिस्क होता है ना वो आपका होता है, ऐसा मेरा थॉट है, ऐसा मुझे लगता है कि रिस्क आपका ही होता है फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हो। और लेना अच्छा भी है, क्योंकि किसी का बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास कैपिटल है वो कर सकता है, लेकिन उसमें आपका लॉस होगा या आप बहुत ही ज़्यादा तरक्की करोगे वो आपके ऊपर है, और सामने वाले आप किस पार्टी से आप जुड़े हो उसके ऊपर है। तो लेकिन अगर मैं कहूँगा तो आप खुद पहले नॉलेज लो, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज लो, और फिर कोई भी डिसीजन लो। तो थैंक यू सर यहाँ आने के लिए, थैंक यू। और आकाश सर जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आने के लिए? जी, वैसे तो पहले मैं काम कर ही रहा था जैसे आपको मैंने बताया, बट यहाँ आने के बाद है ना, एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो गया है ना, तो वो सबसे बड़ा मेरा फ़ायदा यहाँ पे आने का रहा। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने नॉर्मल जगहों पर नहीं देखी थी, तो वो चीज़ें भी मुझे बहुत सीखने को मिली, ताकि मतलब मैंने आज तक जितने भी मैं 8 या 10 लॉन्ड्रीज में मैं विजिट कर चुका हूँ, बट मुझे उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला जो मुझे यहाँ पे 8-10 दिन में मिल गया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू आकाश सर जी यहाँ पे आने के लिए, मनोज सर जी आपका भी थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए,
और मेरे मोटिवेशन के लिए कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपको ट्रेनिंग के लिए आना है तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, रिसर्च करिए मेरे बारे में पहले, फिर बाद में आने का डिसीजन लीजिए। बराबर सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।